आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रमुख आदेश गुप्ता का मौन व्रत या उपवास क्या कुछ कहते हैं इस प्रकरण को लेकर रोहित उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के साथ। अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहाँ पे उनके नेतृत्व में दिल्ली के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए हैं। उन सबका तो बस एक ही हमारा मकसद है, केजरीवाल साहब आज के टाइम में वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो फ्री पानी की बात कर रहे हैं, फ्री हरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने बड़े एक अहम व्यवस्था कर दी है कि दारू परोसने की व्यवस्था कर ली है, जो हमारे पास पहले लोगों के लिए यहाँ पे एज ग्रुप जो 25 साल था उसकी 21 साल क्या दर्शाता है। युवाओं में आप शिक्षा के बजाय आप दारू की बात कर रहे हो, आप दारू पिलाओगे, ये क्या हो रहा है सर। और उसमें सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए उसके लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको अगर ट्रेनिंग स्कूल खोलना है बच्चों के लिए खोलिए, जहां शिक्षा के आपको बढ़ावा मिलेगा, जहां बच्चे आगे बढ़ेंगे, स्कॉलर निकलेंगे। आप ट्रेनिंग स्कूल खोलोगे कि आप दारू कैसे पिलाई जाएगी, ये कुछ केजरीवाल साहब की सोच है। और वो इसके साथ साथ एक पूंजी अपना इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू वो अपना फ्री की ब्रांडिंग, फ्री का प्रचार, अपने झूठे वादों को दिल्ली के लोगों तक पहुंचा पाए। हमारा एक ही मकसद है, उन्होंने जितने जगह पे जैसे जगह ऐसे वार्ड लगभग 80-85 ऐसे वार्ड है जहां पे कोई दारू का ऑलरेडी आज ठेका नहीं है, वहां पे भी वो प्लान कर रहे हैं। हमारी सोच सिंपल सी है, आज अगर केजरीवाल साहब उन जगहों पे भी अगर कुछ शराब के ठेके ओपन करने का सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे डंडे लेके लाठियां लेके हम पहरेदारी करेंगे, खड़े होंगे, एक भी ठेका हम खुलने नहीं देंगे। उसके लिए हमें रोड से लेके हम आपकी विधानसभा तक घेराव करेंगे।